अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सहबी कासमी नाजिन कराची इलेक्शन फैटफ के बारे में जो एफ ए टी एफ और इमरान खान जो इस दफ़ा लॉन्ग मार्च में क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं लेकिन सबसे पहले बिलावल की एक स्टेटमेंट सुने कि हिंदुस्तान के साथ तल्लुत ना रखना पाकिस्तान के मफाद में नहीं हम तजारत और बहमी तावन बढ़ाना चाहते हैं खास तौर पर हिंदुस्तान और अमरीका से ये फॉरन मिनिस्टर से बयान किसने दिलवाया होगा क्या अब बिलावल की इतनी जुरात है कि वो ऐसी बात कर सकते हो कि जब हम साए साथ में पटाखे टेस्ट कर रहे हों ये तजारत करना चाहते हैं जो मामलात अभी हाल ही में आपको पता हुए हैं जिस पर कहा जा सफीर को आप निकालें ये एक नया शोशा लेकर आ गए अब हिंदुस्तान में भी ये खबरें लगाई जा रही है कि जी पाकिस्तान को एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया अभी एफ ए टी एफ की जो वेबसाइट है यह सरकारी बयान उनका नहीं आया लेकिन शायद शाम तक यह कल आ जाए और वैसे अभी तक जो एक जुलाई की रिपोर्ट है वो एफ 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 के जो नए अपॉइंटेड टी राजा कुमार सिंगापुर के ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे अगले दो साल की टर्म के लिए जुलाई की पहली से टी राजा कुमार नाम से आप अंदाजा कर लें कि मनी लॉन्ड्रिंग के सारे बड़े केसेस की सुनवाई के फैसले अब वहां होंगे और हुकूमत किसकी है एंथनी ब्लिंकन ने याद रखी फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो बिलावल को बुलाकर साइड लाइन पर यह बयान आया था कि साजिश इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस से नहीं बिलावल हाउस से हुई है यह खुद मान रहे कि जी हां हम लोग ने साजिश में शामिल हैं ये हालात यहां तक आ चुके हैं कि आप देखें कि इधर ये बयान साथ देते हैं चनारों की सरजमीन का और दूसरा बयान देते थे गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाला अब इस वक्त ये मामला है, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का शुरू जनरल एजाज अहमद जो न्यूट्रल चीफ के सुसर हैं इनको मियाँ साहब ने बुलाकर मुबारकबाद एक दफ़ा दी थी जब इनकी शादी हुई कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं वहाँ से इनका रिश्ता मजबूत हुआ था ये वही साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया ये अब याद रखिएगा फिर लंदन में इनके साहबजादे ने मियाँ जो मिठू साहब है उन्होंने ये सारा खेल जो है रचाया और उसके बाद फिर लाहौर के वहां पर दो सियासतदान भी थे एक सेठ साहब भी थे अब ये सारी बातें मंजर आम पर आ रही हैं कि किस तरह गोल्फ कोर्स के ड्राइव वे में किंग मेकिंग यानी हुकूमत की पूरी लिस्ट बनी किस तरह किस को हटाना है किसको बनाना है जरदारी साहब का किरदार क्या होगा शहबाज शरीफ का नाम तमाम किरदार ये सब फाइनल वहां हुए अगला इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट तक यहाँ तय हुई और उसकी आप पहली झलकी देख लें कहा कराची इलेक्शन ये कराची इलेक्शन बहुत अहम थे और यहां से क्योंकि अगली गेम देखें बीस जो तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई सीटें हैं और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन अगर इन सब का कुछ भी ना किया गया तो कोई लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च धरना कुछ भी नहीं कर सकता ये फॉर्म्स 47 सेवन गैर गैरअतमी नतज का नतीजा जिस पर इलेक्शन कमीशन की मोहर और दस्तखत मौजूद है जरा मुलाहजा कि तेरह उम्मीदवार लेकिन जितनी मर्जी कोई, कोई कोशिश कर ले न्यूट्रल ने इज्जत बचाने के लिए एम एम को जितवाना था और ये देखें, ये देखें बिल्कुल उसी तरह एफआईआर को अनपढ़ लिख के भेजता है तो अदालत में अच्छा वकील वो एफ आई आर उड़ा के रख देता है। इस फॉर्म को आप देखें इस फॉर्म में डाले हुए वोटों की तादाद तिरतालीस हजार नौ सौ अड़तालीस है गिनती से खारिज चार सौ चालीस अब सारे उम्मीदवारों के वोट जमा करें और जो वोट ज़ाया जया वो भी जमा करें फिर भी टोटल जो तैंतीस हजार एक सौ पचासी बनता है दस हजार सात सौ तिरसठ वोट कहाँगे अब ये या तो इलेक्शन कमिश्नर बताए या कोई और पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है पुराने मोहरे नाकारा हो चुके हैं नए मोहरे लगाए जा रहे हैं इन मोहरों से जो एम के एम कमजोर हो चुकी थी और देखें जब एम के एम कमजोर हुई तो सारा फायदा पी टी आई को पहुंचना था ये वही स्ट्रैटेजी जो दो हजार सत्रह में इन्होंने फैजाबाद धरना करवा के सारा वोट पीटीआई में जाने से रुकवाया था वैसे ही एम के एम का वोट आपको पता बताया पीटीआई से रोकने के लिए आज इन्होंने वहां पर ये जो दूसरी जमात है उस पर कल फायर शायर भी करवाया है उनके लिए अब ये उनकी सेटिंग है सारी मामला उस तरफ में एम के एम सरयाम कराची में ठप्पे लगा रही सरेआम

इमरान खान ने पार्लियामेंट में ये जो बिल पेश किए थे तो उस वक्त पाकिस्तान को फैटफ में जो पहुँचाने वाले अपोजिशन के तमाम मरकान ये सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में उन बिल्स की मुखालफत करते रहे मैंने बाखुदा शबाशी को ज्यादा मनते हुए कहा था और वह तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं कि ये इनाम में उन्हें फैटअप से हो सकता है ग्रे लिस्ट से निकालें और ये ताकि इन्हें क्रेडिट मिले और आवाम में इनकी पजीराई हो मामला बेहतर हों फैटअ के पिछले इजलास में तो इमरान खान ने अपनी टीम के तावन से उनके 26 पॉइंट पर अमल दरामद कर दिया था फिर उस वक्त एक पॉइंट था जो कि मार्च तक वो भी अव... कंप्लीट हो गया जिसका खुद एफ ए टी एफ नेतराफ किया था अब इम्पोर्ट टोला फ़कत दो माह की हुकूमत से इस हवाले से उन्होंने कोई काम किया तो बता दें अब ये इन्होंने ब्लंडर भी जो है वो ठीक कर दिया अब देखें कि ये कड़ी शराइत अगर आप ये सामने रखें तो कहा जा रहा था ये होना नामुमकिन है लेकिन हमाद अजहर ने बड़ा काम इस पर किया इमरान खान की पूरी टीम ने बड़ी जान मारी अब ये नून लीग ने उस वक्त हुकूमत ने जान बुझ कर आखिरी दो सालों में दो हजार सोलह से अठारह तक मनी लॉन्ड्रिंग के रिकॉर्ड बनवा कर पाकिस्तान को फैटफ की लिस्ट में डलवाया था आज वही लोग पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने का क्रेडिट भी लेने मतलब फैटफ की लिस्ट से पाकिस्तान को अगर निकाल दिया गया देखें तो ये उसी तरह है जिस तरह कोई आपको नकली पिस्तौल दिखा कर आपको लूटता रहे आपके पास हालांकि असली हथियार मौजूद हो लेकिन उस नकली बस्तौर पर लुटना ही है क्योंकि चोर चौकीदार और थानेदार तीनों मिले हों आपस में बिल्कुल ऐसे ही आप देख रहे हैं दुनिया में जो खंजीर खाने वाले ममालिक वहां पर बड़ा अमन है लेकिन हलाल खाने वाले तमाम ममालिक में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं मिडल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक आप देख लें वजह यह है कि वो खाते जरूर हैं उसे अपने ऊपर नहीं लगाते उसे इकतदार में नहीं आने देते ये मसला है सारा फैटअ की अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है जो तो सियासी फोरम में कोई शक ऐसा बाकी नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे काम किए ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आना लेकिन ये मजीद बाजू मरोड़ते रहेंगे क्योंकि मकसद सिर्फ सियासी था इस लिस्ट में नून लीग के सबक दौर में पाकिस्तान को डाला गया था वजह को मजबी नहीं थी सियासी थी हकूमती सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग थी सरदारी साहब शहबाज शरीफ मलिक रियाज नवाज शरीफ ये तमाम सियासी नामों के अलावा अलावा भी जो छोटे छोटे कारोबारी लोग वो भी होन्डी के हवाले से एक करोड़ों अरबों रुपये बाहर भेजते थे पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे को हम खुद भी जानते हैं जो कि एक करोड़ भिजवाने में दस से बीस फीसद कमीशन ले लेते थे अब अगर आप नून लीग की मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू देखें तो उसमें शहबाज शरीफ साहब पर और हमजा शहबाज पर अरबों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं एक वजीर और दूसरे वजरे अल अच्छा जो नकली अकाउंट्स के जो मरकजी मुलजमान हैं उनमें भी आसिफ अली जरदारी साहब का नाम टॉप पे है और वह हुकूमत का हिस्सा है शरीक मुलिम मुरादली शाह सिंध के वजरे हैं होना तो ये चाहिए था कि फैट ऑफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले या ना निकाले बल्कि अपने बयान में बताए कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे काम किए हैं लेकिन आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मुलमान को हुकूमत दे दी गई जिससे ना सिर्फ वो मज़ीद करेंगे बल्कि आगे केस और बढ़ेंगे लेकिन चूंकि एक मुकम्मल सियासी फोरम है उसे पाकिस्तान के इन हालात में ग्रे लिस्ट से निकल आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं मैं आपको पहले भी बता चुका जिस दिन हुकूमत बदली थी पाकिस्तान को माफी देने का एक बहुत बड़ी अहम कर माफ कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को क्योंकि मामला ज्यादा है कि अगर आपके मुल्क में देखें इस वक्त कीमतें तो वो क्यों ज्यादा है कि नून लीग ने आई एम एफ से कहा था कि आई एम एफ में जाने की वजह मुल्क को डिफॉल्ट से वो बचाना चाहते हैं अच्छा डिफ़ॉल्ट उन्होंने कहा था किसने करवाया जी डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए इमरान खान ने क्यों करवाया भाई कि इमरान खान कर्ज़ा ले रहा था और आईएमएफ से माह किया था कि जी मैं कीमतें बढ़ाऊंगा तो आपके सारे कर्जे अब सवाल पैदा होता है कि कर्ज़ा क्यों इमरान खान ने लिया था इसलिए ख़ज़ाना खाली था डिफॉल्ट का ख़तरा था अगर ख़जाना खाली था तो किया फिर किसने तो इसका जवाब तो बड़ा सादा है दो हज़ार अठारह में नून लीग ने जब हुकूमत दी तो खसारे में सारा ख़जाना भी खाली मॉयदा जो इमरान खान ने कीमतें बढ़ाने का करना था उसका फ़ायदा किसको होना था फ़ायदा तो अगर अल्टीमेटली होना तो आवाम को अब इमरान खान ने अपनी हुकूमत इस वजह से तो नहीं छोड़ी कि मुल्क डिफॉल्ट में चला जाएगा वो तो खड़ा है अपनी हुकूमत में कहता है तब्दील मत करो आप पहली दफ़ा माशियत हमारी मई चढ़ रही है ऊपर इसको इस वक्त मत इसका रास्ता बदलो इसकी सीमत मत बदलो लेकिन बड़े मसाइल बढ़ जाएंगे लेकिन चूंकि हवालदारों को बड़ी जल्दी थी और शरीफ खानदान शहबाज शरीफ साहब आपको पता है वहाँ पहले भी आए थे दौड़ते दौड़ते वजीरम बनने इस दफ़ा मैं उन्होंने कहा उम्र ज़्यादा हो रही है वजीर अजम बनने ही बनना है एक बार आठ अप्रैल से पहले पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं था तमाम इशारे मुस्बत थे और ये बात ख़ुद मौजूदा हुकूमत अपनी रिपोर्टों में कह चुकी है मफ्ता इसमाइल खुद मान चुके हैं कि मीशत के, के तमामे तमाम इंडिकेटर दुरुस्त से में थे तो उनसे पूछा फिर महंगाई किसने की ये आप तो इल्ज़ाम इमरान खान पर बार बार लगा रहे तो इमरान ख़ान ने आई एम एफ के साथ जो महदे किए थे अब इमरान खान को ये सारी हुकूत को वक्त पूरा करने देते फिर आप पाँच साल उन्हें पूरा करने देते वो सारे मददे चलने देते लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया क्योंकि इमरान खान मान नहीं रहा था वो अरबी बोलता अरबी में सल, करता शलवार कमीज पहनता था अल्लाह का नाम लेता था मदीना की रियासत का जिक्र करता था वो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता कर्जों से जान छुड़ाना चाहता तो हालत अब देखे इन्होंने बता भी दी खुद ही हमने क्यों पेट्रोल महंगा गया मुस्लिम उनसे पूछा गया से कि क्यों आपने पेट्रोल महंगा किया अब देखिए इसको महंगा करने की वजह उनके पास बाजायर थी नहीं तो उन्होंने कहा जी पेट्रोल महंगा होने की बुनियादी वजह यह है आम तौर पे जो है कि आपकी जब बरामदात कम हो रेमिटेंसेस कम हो मुल्क में डॉलर कम आए डॉलर का रेट बढ़ाओ जिस तरह पिछले देखें एक दो महीनों में एक से दो तक डॉलर पहुंच चुका है अब इमरान खान के दौर में जो डॉलर का रेट बढ़ा था पेट्रोल की उसके साथ साथ कीमत को एडजस्ट वो करते रहे साथ साथ इसीलिए मार्च में जब इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत डेढ़ सौ रुपया फी लीटर की तो बिजली की यूनिट में पांच रुपये सब्सिडी दी और मार्च के महीने में पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत में कमी की मद में जो सब्सिडी इसको दी वो सत्तर अरब रुपये बनती थी अब वो सत्तर अरब सब्सिडी इसलिए भी दे सकते थे कि उस वक्त तकरीबन साढ़े चार सौ अरब टैक्स की मद में पहले टैक्स कलेक्शन हो चुकी थी रिकॉर्ड टैक्स और ये टैक्स इसीलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि इसको आवाम के ऊपर खर्चा जाए और वो यही काम कर रहे थे इसीलिए वो सत्तर अरब मैनेज कर सकते थे अगर ये महंगाई करते और खुद सादा जिंदगी गुजारते शहबाज शरीफ साहब की हुत तो आवाम बर्दाश्त कर दी लेकिन ये तो भिगो भिघो कर लतर मारे हैं मिफ्ता इसमाइल की मुंतकली से पहले बंगले की तजीनों आ रहा शुरू होगी आवाम को तो गुस्सा आना है कि एक तरफ आप कह रहे हैं जहर खाने के पैसे नहीं है एक तरफ कहते चाय काम पिए और दूसरी तरफ अपनी अशियाँ खत्म करें हो सकता है आई एम एफ के पास जाना ही ना पड़ता आपको लेकिन अवाम का भी यह है कि देखिए गुस्सा इतना आता है कि पेट्रोल कीमत सुन के ऐलान होने से पहले वो अपनी टैंकियां फुल करवाने निकल जाते हैं भाई आपको पुराना एहतियाज ही रिकॉर्ड करवाए पाकिस्तान सिर्फ शराफिया का गरीब मिडल क्लास तबका यहाँ किसी काम में नहीं रहता देखिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिवेलपमेंट की एक रिपोर्ट आई है कि सिविल सर्विस में जमरात हैं और जो अखराज हैं उसकी तहकीक में जो ग्रेड इक्कीस के सरकारी मुलाजिम की कुल लग जो अकोम मतहदा के कौमी अफसर के मुताबिक बारह फीसद ज्यादा है मतलब यूनाइटेड नेशन में काम करने बारह फीसद काम लेता है हमारे इनकी बरह रास्त जो मुआवजे हैं अरबों रुपए की मालियत से ज़्यादा ये फायदे उठा रहे हैं उसमें इनकी रिहाइश गाड़ियाँ इनकी मुलाजमत की वो जो इंश्योरेंस तिब्बी अलाउंस वगैरह वगैरह जो इनको मिलते हैं डॉक्टर की तरफ से इनकी मलकियत में मार्केट वैल्यू में एक शरिया चार पांच ट्रिलियन खरब यानी सालाना किराए की आमदनी पाकिस्तान पैदा कर सकता है दस ईयर है पचहत्तर अरब अब ये देखें सरकारी गाड़ी इस्तेमाल जो हो रही है बीसवें से बाईसवें ग्रेड की ये बुनियादी तनख्वाह से पूरे पाकिस्तान के मुलाज़मीन के प्राइवेट से ज़्यादा है मेडिकल अलाउंस इनका सिर्फ दो शरिया तीन अरब महीना सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल बिलों पर खर्च होता है इनके और कारकरी ज़ीरो तो इसी इनकी अब देखें यहाँ पर हती कि जो आप प्राइवेट सेक्टर में देखें जो लोग काम करते हैं वहाँ उनकी इमरात इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है अस्सी फ़ीसद मुलाजमीन को जो है वो कोई प्राइवेट सेक्टर में फ़ायदा नहीं मिलता हालांकि काम वो उनसे तीन गुना ज्यादा करते ये तीन गुना ज्यादा तनख्वाह ले लेते हैं इनकी जो पेंशन का सिस्टम अगर आप देखें ये जो बड़े ग्रेड के अफसर हैं बीस से के इनका रिटायरमेंट के वक्त जो आखिरी इनकी बुनियादी तनख्वाह होती है उसके सत्तर फीसद की इनको मिलती है इनकी पेंशन अब आप अंदाज़ा कर लें कि मुल्क किधर जा रहे हैं और लोग किधर जा रहे हैं बहरहल अपना खास ख्याल रखें इन अपडेट करता रहूँगा और अगली वीडियो तकलीफ मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़